कृषि उपज बाजार समिति के अंतर्गत सब्जी बाजार कलमना नागपुर में विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट द्वारा शरद सरोदे के नेतृत्व में सहकारी संस्था के जिला उपनिबंधक गौतम वाल्दे को आवेदन सौंपा। महानुभाव कृषि मंडी समिति भाजी मंडी कलमना में सब्जी उत्पादक किसान अर्थिया बंधु की कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यह खला नंबर 1 से 5 के साथ साथ आसपास के खुले स्थान पर भी भारी मात्रा में कीचड़ जमा हो गया है। सड़कें पूरी तरह टूट चुकी हैं। यहाँ पर सीमेंट रोड का कार्य भी तत्काल आवश्यक है। साथ ही वो आरतिया भाई जो मर चुके हैं उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर लाइसेंस नवीनीकरण में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन माननीय अध्यक्ष और उनके कार्यपालक पदाधिकारी इसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। साथ ही सब्जी मंडी में जितने लाइसेंस है उनमें से कई लाइसेंस धारकों को जगह ही उपलब्ध नहीं कराई गई है। ऐसे में नए लाइसेंस बनाना उचित नहीं है। आज कलमना युवा अर्थिया एसोसिएशन की ओर से हम आए हैं। आज वाल्दे साहब को हमने समय लिए थे कि पनन के वो अधिकारी है और वाल्दे साहब को हमने अवगत कराया कि कलमना मंडी जो है वो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, लेकिन दुर्दैव यह है कि वहाँ पर जो बॉडी बैठी हुई है वो लोग वहाँ का काम नहीं करते हैं। आज रास्ते का देखो, रास्ते टूटे पड़े हैं, चलना नहीं होता। गाड़ियां माल भर के आती है तो चलना नहीं होता। उसके बाद में लाखों लोग आवागमन करते हैं, परंतु कीचड़ इतना है वहाँ पे, पानी से बारिश होती है तो कीचड़ इतना हो जाता रास्ते टूटे होने के कारण, जो लाखों लोग ग्राहक आते हैं वो ग्राहक हम तक आरतिया तक नहीं पहुँच पाते हैं और वो सब्जी लेने में असमर्थ रहते हैं, उनकी भी रोजी रोटी गिरती है। ये सब गलती है जो हमारे ऑफिस है APMC का, जो वहाँ बॉडी बैठी है उनकी। दूसरा विषय ये है कि जो मृत लाइसेंस वाले हैं, जो इनके लाइसेंस है 500 साल से जो मर चुके हैं, आज ये उनके लाइसेंस उनके बच्चों के नाम से उनके परिवार के नाम से रिन्यूअल नहीं करवा रहे, उसमें अड़चने ला रहे, काफ़ी अड़चने आ रही है। तो ये अड़चने नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनका तो परिवार का अधिकार होता है। आज गवर्नमेंट अगर कोई अधिकारी है वो मर जाता है तो गवर्नमेंट उसके बच्चों को नौकरी देती है। ये तो APMC है, इनको देना चाहिए उनके लाइसेंस, मृत वालों के उनके परिवार को लाइसेंस देना चाहिए। तो वो एक दूसरा हमने वाल्दे साहब को ये किए और तीसरा ये किए कि आज अर्थिया बंधु वहाँ पर जो व्यापार कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, उन्होंने उन लोगों की सुविधा नहीं करके दी है। APMC ने उन लोगों की मूलभूत सुविधा नहीं करके दी है। कुछ अर्थिया रोड पर बैठते, पानी में बैठते, कीचड़ में बैठते और ये लोग ऊपर से नए लाइसेंस बना रहे। हमारी ये मांगनी है युवा आरतिया एसोसिएशन की तरफ से कि पहले जितने लोग वहाँ बैठे हैं उनको स्थानीय जगह दो, उनका व्यापार करने के लिए उनको जगह दो, उनको सुविधाएं दो, फिर अगर आपके पास जगह बचती है तो फिर आप नए लाइसेंस लगा। तो हमने वाल्दे साहब को हमने निवेदन किए कि तत्कालित रूप में जो नए लाइसेंस ये लोग बना रहे वो नए लाइसेंस पहले रोका जाए। वहाँ पर आप जायजा लो कि कितने लाइसेंस धारक है, किनको जगह नहीं मिली है, और जिनको जगह नहीं मिली है उनको जगह उपलब्ध करा के दो, उसके बाद फिर वो विषय आएगा नए लाइसेंस का। तो हमने आज तो इन वाल्दे साहब को निवेदन देके ये कि अगर इस निवेदन से काम नहीं चलता है, ये नहीं होता है, तो अर्थिया बंधु फिर आगे के राह के लिए मोकड़े हैं, फिर हम अपने हिसाब से आंदोलन करेंगे। इसलिए अनुरोध है कि नए लाइसेंस बनाने पर अस्थायी रोक लगाई जाए, ऐसी मांग भी ज्ञापन सौंप कर की है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।